नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, हम पिछले कुछ दिनों से IIM के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे IIM विशाखापट्टनम के बारे में। IIM के अलग अलग शहरों में इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अलग अलग शहरों में संस्थान है और उनके द्वारा मैनेजमेंट एजुकेशन दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे IIM विशाखापट्टनम के बारे में। जैसे कि हम कभी भी MBA का एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं, तभी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान दिया जाने वाला है, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी सवाल हैं सभी पूरे उसके जवाब मिलने वाले हैं। जब भी हम MBA के एडमिशन्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि अगर हम विशाखापट्टनम के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होंगे, फ़ी रेंज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सेप्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज रैंक PT क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी क्या होगी, अगर होगी या नहीं होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सभी सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। जो लोग अब तक इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमिक इनसाइट सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मेरे दिल से दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले आपको दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं पूरे के पूरे उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गंवाएं, और ये है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IIM विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का संस्थान है, यह 2015 में शुरू हुआ संस्थान है। अभी तक इसका NIRF रैंकिंग नहीं हुआ है, और अगर हम कैंपस की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो ये 240 एकड़ में फैला हुआ IIM का विशाखापट्टनम वाला कैंपस है, ये 240 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के अगर कोर्सेज़ की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं, ये नंबर ऑफ कोर्सेज़ हैं 12 जो यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं इस संस्थान के द्वारा। 12 अलग अलग कोर्सेज़ स्टूडेंट्स को ऑफ़र किए जाते हैं और 12 कोर्सेज़ यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। फ़ीस की अगर बात करेंगे, तो फ़ीस का रेंज है 12 लाख रुपये। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे पास कोई भी स्ट्रीम की एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की एक डिग्री होना ज़रूरी है। उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स ज़रूरी है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब हम बात करेंगे कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, वो है कैट एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। देना ज़रूरी है कॉमन एडमिशन टेस्ट, पास होना ज़रूरी है, तभी हमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम बात करेंगे पिछले साल में इस इंस्टीट्यूशन द्वारा कौन कितना हाईएस्ट सैलरी पैकेज दिया गया है। इस इंस्टीट्यूशन द्वारा पिछले साल में 27 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर हुआ है। जो यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, उनके द्वारा 2020 में जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है, वो है 27 लाख पर एनम। अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे, तो इस कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, और वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाती है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, कि जैसे कि मैंने बताया, हर एक IIM के इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन प्रोसेस सेम फॉलो की जाती है। एंट्रेंस के मार्क्स, आपके जो भी कैट एग्ज़ाम, GMAT एग्ज़ाम, उनके मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कैट ही अलाउड है। उसके बाद GD और PI के अलग अलग मार्क्स होते हैं, और पूरा मिला के ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है, और ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने पिछले साल का जनरल कैटेगरी का ओवरऑल परसेंटाइल रैंक यहाँ पे दिया है, वो 90 है,
तो इस इंस्टीट्यूशन का पिछले साल का ओवरऑल परसेंटेज रैंक पीटी है 90, इसमें चेंज होता रहेगा। ये ओपन कैटेगरी के लिए, हर एक कैटेगरी का अलग अलग होता है, पूरा देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ ओपन कैटेगरी का यहाँ पे लिखा है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो इस इंस्टीट्यूशन द्वारा स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। जो लोग फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये था वीडियो IIM विशाखापट्टनम के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको पे भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और जाते जाते ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करो, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सकें। तो ये था वीडियो, आने वाले दिनों में हम और वीडियोस बनाते रहेंगे और आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।